मैं गारंटी देता हूं आपको कि आज जो टेक्निक्स मैं आपको सिखाने वाला हूं कैलकुलेटर यूज करने की, वो टेक्निक शायद ही आपको कोई सिखाएगा, शायद ही कोई वो आपको सिखा पाएगा। आज की मेरी टेक्निक सबसे यूनिक टेक्निक है, ये आज से पहले किसी ने किसी को नहीं सिखाई होगी। सो जस्ट इस पर्टिकुलर वीडियो को पूरा एंड तक देखे, आप आज जो सीखेंगे कैलकुलेटर में वो बहुत ही मावलेस रहने वाला है। जस्ट कीप कंटिन्यूइंग विद दिस वीडियो टिल एंड। हेलो स्टूडेंट्स, अब आज जो मैं टॉपिक आपको आज सिखाने वाला हूँ, ये टॉपिक एकदम मार्वलस है। मतलब ये चीज आपको सिखाने वाले शायद ही बहुत रेयर लोग होंगे। हमने जब 11th चालू हुआ था, 11th की स्टार्टिंग में हमने एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट हम लेके घूमते पूरे साल अपने साथ में। वो इंस्ट्रूमेंट हम पूरे साल लेने के बावजूद भी उस इंस्ट्रूमेंट को हमें यूज करना अच्छे से नहीं आता। एंड यस, आई एम टॉकिंग अबाउट कैलकुलेटर, राइट? हम कैलकुलेटर पूरे साल लेके घूमते हैं, बट देन टू वी आर नॉट एट ऑल एबल टू यूज दिस थिंग। आप बोलोगे सर क्या मजाक करते हो, हमें तो पूरा यूज करना आता है। नॉट एट ऑल। सो जस्ट इस पर्टिकुलर वीडियो को पूरा एंड तक देखे। चलिए, तो सबसे पहले मैं आज आपको इस कैलकुलेटर से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। आप इसको हमेशा लेके घूमते अपने साथ में। इसमें कितने सारे बटन है, उसके क्या नाम है, पहले हम वो समझते हैं। ये M plus बटन, इसका मतलब होता है मेमोरी एडिशन, M माइनस मेमोरी सब्ट्रैक्शन, MRC मेमोरी रिकॉल, CE क्लियर एंट्री, GT ग्रैंड टोटल, MU दैट इज मार्क अप, राइट? ये बेसिक कुछ बटन है जिसको शायद आप बहुत रैली यूज करते हो। हम कैलकुलेटर में 90% टाइम 1, 2, 3 मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिविजन हम ये वाले बटन को यूज करते हैं। 10% टाइम भी हम बाकी बटन्स यूज नहीं कर पाते हैं। Honestly, I can say you, इन बटन का प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। चलिए, मैं आज आपको टोटली 8 न्यू टेक्निक सिखाने वाला हूं कैलकुलेटर यूज करने की, ठीक है? सबसे पहले से, सबसे फर्स्ट टेक्निक से, परसेंटेजेस हम जब यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें निकालना है 50,000 का 10%, राइट? सो आप करेंगे 50,000 इंटू 10%, राइट? तो आपका निकल जाता है 5,000। बट अगर आपको कभी क्वेश्चन में कहा गया है 50,000 का 10% डिप्रिसिएशन माइनस करके नेट अमाउंट निकालो, तो बच्चे क्या करते हैं, 50,000 इंटू 10% 5,000 निकालते हैं, फिर उसको वापस 50,000 से माइनस करते हैं और बोलते हैं भैया 45,000 आया। दैट इज नॉट द राइट टेक्निक। साफ सफाई करते हैं, वी विल डू लाइक दिस, 50,000 इंटू 10%, 5,000 आ गया, देन डायरेक्टली माइनस इक्वल्स टू कर दो तो आपको डायरेक्टली मिल जाता है 45,000, राइट? सो आपको पूरा वापस माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली माइनस इक्वल्स टू करने पे आपको बचा हुआ 90% मिल जाता है। बहुत ही बेसिक टेक्निक है, बट मैंने बहुत बच्चों को ये टेक्निक में गलती करते हुए देखा है, इसलिए आज की मेरी पहली टेक्निक रह गई, हाउ टू यूज परसेंटेजेस इन बेटर वे, ठीक है? चलिए, सेकेंड टेक्निक के बारे में बात करता हूँ। सेकेंड टेक्निक होती है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा बटन है, दैट इज करेक्ट बटन, राइट? ये करेक्ट बटन को हम कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। आप इसका बहुत बहुत मिनिमम यूज करते हैं, थोड़ा एक्सटेंसिव यूज मैं बताऊंगा आज आपको। हम कर रहे हैं सपोज 2500 प्लस, मुझे कहना था 3500, बट गलती से मैंने कर दिया 4500, तो आप करते हैं करेक्ट 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 और इसको आप कर देंगे 3500, देन इक्वल्स, राइट? दिस इज योर बेसिक यूज ऑफ करेक्ट बटन। एडवांस थोड़ा सा यूज करेंगे इसको लाइक दिस, 25 प्लस 35 प्लस 45, टोटल आंसर आ गया 105। फिर मुझे पता चला आहा ना 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 ना, जो सेकंड वाला अमाउंट है वो 35 नहीं था, वो तो 55 था। तो अब क्या करें, पूरा साफ करें? नो, जस्ट गो टू चेक, चेक वन, चेक टू, ये अमाउंट 55 होना चाहिए, करेक्ट दबाइए, 55 करिए और फिर से करेक्ट दबा दीजिए, देन चेक एंड चेक, योर आंसर वुड चेंज और वो सीधा 125 हो गया। This is the second and the best use, जहां पे आपको अपनी सारी एंट्री को रिवर्स नहीं करना पड़ेगा, आप खाली उस मिसिंग अमाउंट को, उस रॉन्ग अमाउंट को आप चेंज कर सकते हो और आप अपने आंसर्स को सुधार सकते हो। This is the second technique of calculator. I hope you enjoyed it. आगे बढ़ेंगे। चलिए, so मेरी next technique रहेगी about sticky keys. आपको पता है आपके calculator की एक बहुत अच्छी खासियत है, वो हमेशा से second number को पकड़ लेता है। मैं आपको example के साथ समझाता हूँ कैसे। सपोज हमें करना है x माइनस ए, आपके स्टेट्स में आता है x माइनस ए करते हैं d निकालने के लिए, राइट? सो आप हमेशा से x में से एक ऑब्जर्वेशन को माइनस करते रहते हो। आप नॉर्मली कैसे करते हो, आप ऐसे करते हो 50 माइनस 20 30, देन 60 माइनस 20 अगेन 40, देन 70 माइनस 20 अगेन 50। मतलब आप बार बार माइनस 20 माइनस 20 माइनस 20 करते हो, वो करने की आपको जरूरत नहीं है। कैसे, ऐसे इस तरह से कीजिए, 50 माइनस 20 कितना आ गया 30, अब सीधा करिए 60 इक्वल्स टू, अपने आप 20 माइनस हो गया 40,
सीधा करिए 70 इक्वल्स टू अपने आप 20 माइनस हो गया 50, अगेन 80 इक्वल्स टू 60, करते रहो मजा आ रही है राइट, क्योंकि हमें सेकेंड वाला नंबर वापस से टाइप करना नहीं पड़ रहा है, वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। ये सेम बेनिफिट आपको मिलेगा एडिशन में भी, मतलब 25 प्लस 25 50 35 प्लस 25 60, मत करो ऐसा बेसिक, 25 प्लस 25 50, देन 35 इक्वल्स टू 60, 45 इक्वल्स टू 70, 55 इक्वल्स टू 80, राइट। सो ऑटोमेटिकली सेकेंड नंबर एड होता रहता है, ये आपका बहुत टाइम बचाएगा, ट्रस्ट में आपके एग्जाम में आपका बहुत 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 समय ये पर्टिकुलर टेक्निक बचाने वाला है। इसको मैंने नाम दे रखा स्टिकी कीज, राइट। नाउ माय नेक्स्ट टेक्निक, अब मेरी नेक्स्ट टेक्निक है एम प्लस एम माइनस एम आर सी। यस, ये टेक्निक मैं जानता हूँ कुछ बच्चे यूज करते और करनी चाहिए सर, इट्स वेरी गुड वन, राइट। चलिए मैं आपको इसका यूज बताता हूँ कैसे होगा। मुझे प्लस करने हैं दो पर्टिकुलर इक्वेशंस, पहला हो गया 25 इंटू 25, इसकी वैल्यू आ रही है 625, राइट। इसको मुझे प्लस करना है तो एम प्लस, वापस एक दूसरा इक्वेशन और है 35 इंटू 35, मुझे इसको भी प्लस करना है, इसकी वैल्यू आ गई 1225, तो उसको सीधा एम प्लस कर दूंगा। मतलब 1225 में 625 प्लस होके सीधा मेमोरी रिकॉल हो जाएगा, आपका नेट अमाउंट आ गया 1850, मतलब उन दोनों चीजों को हमने प्लस कर दिया। आप वाइस वर्सा एक को प्लस एक को माइनस भी कर सकते हो, देखते हैं कैसे। मेरे को करना था 25 इंटू 25, ये मुझे करना है प्लस, इसमें से मुझे 35 इंटू 35 माइनस करना है, तो 35 इंटू 35 इसको मैं कर दूंगा माइनस। अब 1225 में से 625 माइनस हो रहा है, मतलब आंसर नेगेटिव में, अगर माइनस वाली फिगर बड़ी है तो एमआरसी करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा -600, दैट इज मेमोरी रिकॉल। दिस इज सिंपल टेक्निक, ये आप लोग कब यूज करेंगे, एफएक्स निकालना हो या स्टैट्स में, नॉर्मली ये पर्टिकुलर चीज बहुत बहुत ज्यादा काम आती है। इसका एक और तरीका है, आप इक्वल टू यूज ही ना करें, सीधा एम प्लस एम माइनस करिए चलेगा, लाइक दिस 25 इंटू 25 एम प्लस, 35 इंटू 35 एम माइनस एमआरसी चलेगा। आपको इक्वल टू दबाने की भी जरूरत नहीं है, आप इक्वल टू की जगह एम प्लस दबाइए, सब कुछ टाइम बचता है, कुछ मेहनत बचती है, राइट। सो दिस कैन ऑल्सो बी यूज, वेरी यूजफुल टेक्निक फॉर स्टेटस। सो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बटन है जो आपके कैलकुलेटर पे दिया हुआ रहता है बट आप उसको बिल्कुल यूज नहीं करते, ट्रस्ट भी कोई भी इसको यूज नहीं करता, ये बटन है जीटी, दैट इज ग्रैंड टोटल। सर कितने सारे कैलकुलेटर पे तो ये बटन भी नहीं होता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे यूज करना है मैं आपको सिखाऊंगा। स्टार्ट करेंगे इस तरह से, 5 इंटू 2 मैंने किया आ गया 10, 5 इंटू 6 मैंने किया आ गया 30। अब मुझे 10 और 30 को डायरेक्टली प्लस करना हो, मतलब आप जीटी दबा दो, ऑटोमेटिकली जितनी बार आप इक्वल टू प्रेस करोगे वो ऑटोमेटिकली जीटी में जाता रहता है और टोटल होके बाहर आता है, दैट इज ग्रैंड टोटल। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल रहेगा, एक और ट्राई करेंगे। 5 इंटू 9 45, और 11 इंटू 7 कितना हो गया 77। अब 77 और 45 को डायरेक्टली प्लस करना है, जीटी दबा दो, आपका आंसर आ गया 122। बड़ी सिंपल टेक्निक है, आप इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको याद रहेगा, वरना आप भूल जाओगे। सो प्लीज कीप ट्राइंग दीज टेक्निक्स व्हाइल डूइंग दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस, वरना आप उनको सच में भूल जाओगे। इसलिए कोशिश करना ये टेक्निक्स आप प्रैक्टिस में लगाते रहो, बार 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 करते रहो, अच्छी प्रैक्टिस होगी तो याद आएगा। ओके, सो मेरी नेक्स्ट टेक्निक है, यहां पर मैं आपको दो टेक्निक्स को मर्ज करके यूज करना सिखाऊंगा। देखिए हमारे कैलकुलेटर में दो दिमाग होते हैं, पहला होता है आपका m प्लस m माइनस वाला और दूसरा होता है आपका इक्वल टू और gt। हम इन दिमाग को बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। देखो मैं आपको टेक्निक सिखाता हूं। सपोज मैंने किया ऐसे 10 इंटू 5, राइट, इसको मैंने किया m प्लस, मतलब आप समझ लेना m प्लस करते आपके mrc में 50 चला गया है। अगर आप मेमोरी रिकॉल अभी करोगे तो आपको 50 दिखेगा, राइट। वैसे ही मैंने 50 को मेमोरी में रहने दिया। अब मैं करना हूं 10 इंटू 10 इक्वल्स टू कितना हो गया 100। इक्वल टू प्रेस किया मतलब जीटी में 100 चला गया। अब जीटी में कितना है 100, मेमोरी में कितना है 50। मुझे अगर 100 डिवाइड बाय 50 करना हो तो मैं क्या करूंगा, जीटी डिवाइडेड बाय एमआरसी और सीधा इक्वल टू। आप डायरेक्टली दोनों मेमोरी को यूज कर सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक है ये, जहां पर आप जीटी को और एमआरसी को, मतलब आप अपने दो कैलकुलेटर के दिमाग को यूज करके अपने आंसर्स को क्विकली ला सकते हो। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल बट वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक। मैंने कहा था प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। चलिए, सो मैंने जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था कि लास्ट वाला जो टेक्निक होगा वो सबसे बेस्ट होगा, मैं अभी आपको वो बटन बताने जा रहा हूं जिसका यूटिलाइज मोस्टली कोई भी नहीं करता है। ऑनेस्टली उस बटन को आप यूज ही नहीं करते हो, एंड उस बटन का नाम है MU, दैट इज मार्कअप। सर ये बटन को कोई यूज नहीं करता जबकि बड़े काम का है, बड़े काम का है। मैं इसको समझाने के लिए आपको दो एग्जांपल्स दूंगा, मैं एग्जांपल के साथ में ये पूरी टेक्निक समझाने वाला हूं, ध्यान देते रहना। चलिए सपोज करते हैं
सेल्स हमें दे रखा है क्वेश्चन में 5 लाख, ओके हमें दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, सेल्स है 5 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, ओके और हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बचपन में हम करते थे इसके लिए एक इक्वेशन बनाते थे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, हम करते थे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कितना है भैया प्रॉफिट 25, प्रॉफिट के नीचे हम लिखते थे 25, किस पे है कॉस्ट पे, हम कॉस्ट को लिखते थे 100, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाती थी 125। फिर हमें क्वेश्चन में क्या दिया है सेल्स, तो हम लिखते थे 125 के नीचे 5 लाख, मतलब अगर 125 5 लाख है तो 100 कितना, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं यूजिंग MU, कैसे करेंगे यहां ध्यान देंगे, यहां हम लिखेंगे 5 लाख देन प्रेस MU देन 25। अब आपको 125 से 100 पे आना है, इसलिए नीचे आना हो तो माइनस का सिंबल लगा दो। अब कुछ मत करो, सीधा परसेंटेज प्रेस कर दो, आपको सीधी कॉस्ट प्राइस मिल गई है, आप सीधा 4 लाख पे आ गए हो, राइट, सिंपलेस्ट वे। दूसरा एग्जांपल, इसका थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर सपोज करते हैं। अब की बार आपको दे रखा है कॉस्ट प्राइस 5 लाख और आपको दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन सेल्स, दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट है ऑन सेल्स। अब वापस से लिखेंगे बचपन वाला इक्वेशन, दैट इज सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, आप लिखेंगे यहां पे प्रॉफिट कितना है सर 20, किस पे है सेल्स पे, तो सेल्स को हम लिखते थे 100, तो हमारा कॉस्ट आता था 80। फिर हम लिखते थे अगर 80 है 5 लाख तो 100 कितना, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, अब वो नहीं करना पड़ेगा, कैसे करेंगे यहां ध्यान दो, हम करेंगे 5 लाख ठीक है, MU कितना परसेंट है 20, कुछ मत करो माइनस मत करना, जब 125 से 100 पे आना है हम माइनस करते हैं, यहां पे हमें 80 से 100 पे जाना है तो माइनस नहीं प्लस करना है, बाय डिफॉल्ट वो प्लस ही होता है, तो सीधा यहां पे कर दो परसेंटेज, आपको आंसर आ गया 6,25,000, डन। मतलब MU बटन आपके क्या काम का है, जब भी आपको 100 पे आना है आइदर फ्रॉम 125 200 या 80 200 तब आपको MU बटन काम में आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बटन। आई होप आपने ये पूरा वीडियो एंजॉय किया होगा, अगर आपको और भी कुछ टेक्निक सीखनी है या आपको लग रहा है कि इन कुछ टेक्निक्स में आपको कुछ डिटेल्स चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको इन टेक्निक को और डिटेल में भी सिखा सकता हूं। और एक ऑनेस्टली एक बात और बताता हूं, ये इतने में कैलकुलेटर खत्म नहीं होता, इसकी और भी बहुत सारी टेक्निक है, मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो और लाऊं थोड़ा एक्सपर्ट लेवल का, जहां पे मैं आपको इसकी आगे की टेक्निक्स भी डिटेल में बता पाऊंगा, राइट। और याद रखिएगा, इनको प्रैक्टिस करने से ही आपको इन टेक्निक को यूज करने का मजा आएगा, खाली एक बार वीडियो देख के छोड़ दोगे कोई मतलब का नहीं है, 2-3 बार लगातार देखिए वीडियो या फिर इसको कैलकुलेटर लेके प्रैक्टिस कीजिए, रेगुलर सम्स में इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये टेक्निक याद हो जाएगी, ये टेक्निक को यूज करने में मजा आएगा। बाजू में दोस्त बैठा होगा ना, जब आप सम करोगे उसको लगेगा क्या बात है, ऐसे भी आप सम कर सकते हो, एक गजब इंप्रेशन क्रिएट होगा आपका। सो जरूर से ट्राई कीजिएगा और प्लीज मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी टेक्निक्स। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे।